एक नहीं, दुइठो नहीं, तीन तीन बार, तीन बार यूपी केसरी का टाइटल जीत चुके हैं हमू। नाम है हमरा नागर सिंह यादव। समझ जौनपुर की जनता और सभी लोग प्रेम से हमका नारा पहलवान कहते हैं, बहुत ही इज्जत करते हैं हम। अरे भैया, बचपन से हमरा एक ही शौक रहा, एक ही धुन सवार रही, बस बॉडी बिल्डिंग और कुश्ती। इसलिए पहले कुश्ती के मैदान में हम लोगों के शरीर तोड़ते हैं और फिर उनकी हड्डी पसली एक कर देते हैं। और ये जोहर कैसे दिखाया जाए वो हमारे अखाड़े में बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाते हैं। अरे बाबा, अरे बाबा, ही ले काम की बात तो हम करना भूल ही गए। अखाड़े के साथ साथ हमका एक और चीज से बहुत ही अधिक प्रेम है, और वह हमारी धर्म पत्नी, हमार अर्धांगनी सुषमा। बहुत ही प्यारी और खूबसूरत है, उनका भी हमसे बहुत प्रेम है। हाँ भैया, अरे हम तो ये सोच सोच के हैरान है कि अगर सुषमा हमारे जीवन में ना आती तो हमका और हमारी अंधी माँ का कौन संभालता। हाँ? पूरे घर को अकेले संभाले हुए। हाँ भैया, बस अब हमका कौन बात की चिंता रही, चिंता जिन करा। हम पूरे जोशो खरोश के साथ अखाड़े में लगे रहते हैं, पूरी लगन के साथ और भीतर की अगन के साथ हम अखाड़े में मगन रहते हैं। लेकिन भैया, ये लगन, अगन और मगन की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। बहुत एक ऐसा होता है ना कि जो बाहर से दिखता है अंदर से वैसा नहीं होता। अब देखो ना, किस चीज की कमी है हमारे पास। सब कुछ तो है, हंसता खेलता परिवार है, बस औलाद की कमी है, और वो भी हमारी कसरत और उनके साथ साथ ली गई खुराक की वजह से ही कमी रह गई। बस इस एक कमी की वजह से हमारी सुषमा, हमारी अर्धांगिनी किसी और की बाहों में जा बैठी और अब उसकी भावनाओं में खोकर गलत कदम उठा लिया, जिससे परिवार बर्बाद हो गए, तबाह बर्बाद हो गए, बिखर कर रह गए।